काला जीरा और चिल्ली के तेल को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट में शामिल किए जाने पर किन्नौर के लोगों में काफी खुशी है। लोगों को उम्मीद है कि इससे उनके क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान होगी और मार्केट में भी दोनों उत्पादों के सही दाम मिल सकेंगे। आपको बता दें कि चिल्ली और काला जीरा दोनों ही कई औषधीय गुण हैं। चिल्ली के तेल और काला जीरा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पाया जाता है। खासकर किन्नौर के सांगला के आसपास के जंगलों में प्राकृतिक रूप से काला जीरा निकलता है। इसी तरह चिल्ली, जिसे एप्रिकोट के नाम से भी जाना जाता है, किन्नौर के अलावा पड़ोसी जिलों में भी पाया जाता है। चिल्ली जून में पकती है, उसके बाद इन्हें पेड़ से झाड़ा जाता है, फिर चिल्ली व गुट्टी अलग कर गुट्टी को तोड़ने पर अंदर की गिरी जो बादाम की तरह होती है निकलती है। इस गिरी से मशीन में तेल निकाला जाता है। चिल्ली और काला जीरा दोनों ही विशुद्ध रूप से ऑर्गेनिक हैं। इनमें कोई छिड़काव नहीं किया जाता है। चिल्ली के तेल को पुराने जमाने में लोग घी के रूप में भी खाने में प्रयोग करते थे। इसके तेल से मालिश करने से जोड़ों में दर्द कम होती है। काला जीरा में भी कई औषधीय गुण है। इसे दाल सब्जी में थोड़ा सा लगाने से पकवान सुगंधित और स्वादिष्ट बनती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद ने इनका पेटेंट करवाया है। अब इसकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू हो गई। हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद ने जीआई एक्ट 1999 के तहत रजिस्ट्रार जीआई के रजिस्ट्रार जीआई में सफलतापूर्वक पेटेंट करवाया है। पेटेंट से अब हिमाचली काला जीरा और चिल्ली तेल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होगी। देव कुंती ने बताया कि हाल ही में जीरा और चिल्ली का तेल को जीआई दर्जे में लाया गया है। इससे किन्नौर के लोगों में खुशी है, अब उनके इन उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ेगी। मैं किन्नौर की खदरा गांव की रहने वाली हूँ। हमारे किन्नौर में ये जो चिल्ली का तेल और जीरा की पैदावार होती है, अभी हाल ही में इन दो चीजों को विशेष दर्जा मिला है। ऐसा होने से हमको बहुत खुशी है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे और इसका कोई डुप्लीकेसी भी नहीं होगी। ऐसे होने से हमको बहुत खुशी है। रेखा ने बताया कि काला जीरा और चिल्ली के तेल को विशेष दर्जे में लिया गया है। ये क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है। चिल्ली का तेल और काला जीरा के दाम भी अब लोगों को सही मिलेंगे, मिलावट की गुंजाइश भी कम होगी। चलो, मैं बरी की रहने वाली हूँ। ये हमारे ये काला जीरा और चिल्ली का तेल किन्नौर में इसकी पैदावार होती है और ये इसको हाल ही में स्पेशल कैटेगरी मिली है मार्केट में। इसकी वैल्यू बढ़ गई है और इसके हमें अच्छे दाम मिलेंगे और दुनिया में मतलब इसकी पहचान भी बढ़ गई है और हमें खुशी है कि भाई हमें इसके अच्छे दाम मिलेंगे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।